Hello everyone, a very happy morning to all of you who are watching this video. Myself Aman Singh, and we are studying the first chapter of 11th biology, that is the living world. And in that we had discussed in our last classes some of the taxonomical aid, likewise museum, botanical garden, okay. And today onwards we are going to start the zoological park or the zoos. ठीक है, चिड़ियाघर और जू के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. जू, मोस्ट ऑफ यू हैड विजिटेड द जूज. ओके, सो जूलॉजिकल पार्क पहले होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय जूलॉजिकल पार्क, इसकी डेफिनेशन क्या है. एन एनक्लोज्ड प्लेस वेयर लाइव वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट फॉर पब्लिक एक्सिबिशन. मतलब कि एक ऐसा बंद जगह जहां पे हम लोग वाइल्ड एनिमल्स को रखते हैं लोगों के देखने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूलॉजिकल पार्क. Okay, so it's an enclosed space for the wild animals are kept for the public exhibition. Okay, so that is the definition for the zoological park. और क्या इसके बारे में points है zoological park के बारे में? Provides more natural environment. जो भी animals है उनको ज्यादा natural environment मिलता है zoological park में as comparison to the forest where they are living. ठीक है, जहां पे वो forest में रहते हैं उससे ज्यादा बढ़िया उनको environment कहाँ पे मिलता है, जूलॉजिकल पार्क में मिलता है. बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं, यहाँ पे वेटनेरियन डॉक्टर्स होते हैं, यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, यहाँ पे जू कीपर्स होते हैं जो कि जू का ध्यान रखते हैं, एनिमल्स का ध्यान रखते हैं, उनको प्रॉपर फीडिंग कराते हैं, उनकी प्रॉपर ब्रीडिंग कराते हैं, इसीलिए वो ज्यादा सही से रहते हैं जूलॉजिकल पार्क में एज कम्पेरिजन टू द फॉरेस्ट. ओके, फिर अगला पॉइंट क्या है, साइंटिफिक पर्पज ऑफ अ जू इज टू ब्रीड द एनिमल्स which otherwise are facing threat in their natural habitat. ठीक है, जो साइंटिफिक एम है जूलॉजिकल पार्क बनाने का वो क्या है, कि जो भी एनिमल जिनका नंबर कम है और जो थ्रेट पे हैं, जो नियर फ्यूचर में एक्सटिंक करने वाले हैं, उनको बेसिकली जू के अंदर में रखा जाता है और उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है और उनके नंबर को बढ़ाया जाता है. जैसे आपने सुना है कि टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर इंडिया में जब लॉन्च हुआ उसके चलते बहुत सारे टाइगर्स के नंबर जो है वो इंडिया में बढ़ गई. ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है वो अलग अलग कंट्रीज में लॉन्च किए जाते हैं जिसके चलते जो है एनिमल्स एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जो इंडेंजर्ड हैं, उनके नंबर मेंटेन रहे. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ पोचिंग एंड हैबिटेट लॉस. ठीक है, बहुत सारे डेवलपमेंट जैसे कि जो जूलॉजिकल पार्क है वो बेसिकली सिटीज में होती है. ठीक है, अब सिटीज के डेवलपमेंट के लिए वहां पे बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं जहां पे जो एरियाज है जू का उसको सिटीज की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑक्युपाई करते जा रही है, इसलिए जो जू का एरिया है, जो जूलॉजिकल पार्क का एरिया, वो छोटा होते जा रहा है, वो कंसाइज होते जा रहा है. दूसरा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जूलॉजिकल पार्क में चले जाते हैं और वहां पे वो पोचिंग करते हैं, एनिमल को मारते हैं, उनसे जो भी चीजें हैं उनसे, जैसे परफ्यूम वगैरह किसी एनिमल से निकलता है, किसी एनिमल का एलिफेंट का टस्क है, ये सारी चीजें इलीगली वो वहां से थेप करते हैं. ठीक है, और मार्केट में एक अच्छे खासे प्राइस में उसको बेचते हैं. तो ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं जो कि सही नहीं है, दैट शुड बी बैंड, दैट शुड बी प्रोहिबिटेड. ओके, कॉमन एंड साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स आर डिस्प्लेड. ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि म्यूजियम में होता है कि एक कैटलॉग लगा हुआ होता है और एनिमल्स के बारे में बताया जाता है, वैसे ही यहाँ पे जू के अंदर में भी एक कैटलॉग लगा हुआ होता है, एक बोर्ड लगा हुआ होता है, उसमें सारे डिस्क्रिप्टिव चीजें रहती हैं उस पर्टिकुलर एनिमल के बारे में कि ये कहाँ पे पाया जाता है, क्या इसका साइंटिफिक नेम है, क्या इसका कॉमन नेम है, क्या ये फीड करता है, किस पे खाता है. ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन होती है. प्लेसेस वो वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट अंडर द ह्यूमन रेस. ठीक है, तो जू क्या है, एक ऐसा प्लेस है जहां पे हम लोग जो है वो वाइल्ड एनिमल्स को रखते हैं ह्यूमन केयर में. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे वेटनेरियंस होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, बहुत सारे एनिमल एक्सपर्ट होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं जूलॉजिकल पार्क को मेंटेन करने के लिए, सही रखने के लिए, वहां पे सैनिटाइजेशन करते हैं, वहां पे सारी फैसिलिटीज, ड्रेनेज वगैरह की सब कुछ सही से होती है उधर. ठीक है, फिर उसके बाद से जूलॉजिकल पार्क का रोल क्या है, ये हमारे सोसाइटी में क्या रोल प्ले करता है. ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चलता है, इट्स वेरी इजी टू स्टडी द फूड हैबिट एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल. ठीक है, जूलॉजिकल पार्क से हम लोग जो है वो जो एनिमल है उसकी हैबिट, फूड हैबिट, की किस चीज पे वो फीड करता है, वो ओमनीवोरस है, कार्निवोरस है, हर्बीवोरस है, कैसा वो उसकी फूड हैबिट क्या है,
और उसकी बिहेवियर कैसी है, ये सारी चीजें हम लोग स्टडी कर पाते हैं जूलॉजिकल पार्क में एनिमल्स को देख करके. स्टडी ऑफ एनिमल ऑफ लाइव एनिमल्स टाइप्स एंड देयर बिहेवियर. ठीक है, लिविंग एनिमल्स बेसिकली जो फॉरेस्ट में तो इतना आसान नहीं कि जाकर के एनिमल्स के बीच रह करके हम लोग उनको देखें, तो लाइव एनिमल को देखने के लिए सबसे अच्छा जगह क्या है, जूलॉजिकल पार्क है. ठीक है, सोर्सेज ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन. ठीक है, अब फॉरेस्ट में सब लोग का जाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो जूलॉजिकल पार्क में विजिट करते हैं और वहीं पे तरह तरह के एनिमल्स को देखते हैं, जैसे कि राइनोसोर्स है. ठीक है, फिर उसके बाद से एक्सीटू कंजर्वेशन होती है. एक्सीटू कंजर्वेशन क्या है, एक्सीटू कंजर्वेशन थ्रू कैपिटेटिव ब्रीडिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज. एक्सीटू कंजर्वेशन मतलब ऑफसाइट कंजर्वेशन होती है. ठीक है, फॉरेस्ट जो है वो उनका ऑन साइट है, एनिमल जहां रहते हैं वो उनका ऑन साइट कंजर्वेशन है, और फॉरेस्ट के अलावा कहीं दूसरे जगह पे अगर हम लोग उनको ब्रीड करें, उनके नंबर को बढ़ाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सीटू कंजर्वेशन. तो इन पर्टिकुलर एनिमल्स की हम लोग क्या करते हैं, एक्सीटू कंजर्वेशन करते हैं, इनको हम लोग जूलॉजिकल पार्क में ला करके ब्रीड करते हैं और एक हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोड्यूस कराते हैं इनसे. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जूलॉजिकल पार्क के बारे में. फिर है टैक्सोनॉमिकल कीज के बारे में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो सबसे पहले ये टैक्सोनॉमिकल की क्या होता है, इट्स अ स्कीम फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इज नोन एज की. एक स्कीम है जिससे कि हम लोग प्लांट को एनिमल को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिकल की बोलते हैं. द टर्म की रेफर्स टू अ सेट ऑफ अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स अरेंज इन सच अ मैनर दैट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो टर्म की जो है क्या करता है, अल्टरनेट कैरेक्टर्स को स्टडी करने में हेल्प करता है और एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है बाई सेलेक्टिंग और इल्यूमिनेटिंग द कैरेक्टर्स. जो कैरेक्टर्स फेवरेबल है उनको सेलेक्ट करता है, जो कैरेक्टर्स अनफेवरेबल है, जो अनमैचिंग कैरेक्टर है उनको, उन पर्टिकुलर एनिमल्स को इल्यूमिनेट करता है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ इन द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टर अगर प्रेजेंट है तो उसको एक अलग कैटेगरीज में, वो अगर एबसेंट है तो उसको एक अलग कैटेगरी में. तो कैटेगराइज करने के लिए कीज का हम लोग यूज करते हैं. अभी की के बारे में हम लोग और अच्छे से डिटेल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा. ओके, थैंक यू. ओके, तो अभी हमको क्या देखना है, टैक्सोनॉमिकल कीज के बारे में देखना है. ओके, सो टैक्सोनॉमिकल कीज क्या होती है, टैक्सोनॉमिक कीज आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर कॉल्ड कपलेट. ठीक है, टैक्सोनॉमिकल कीज जो है वो हमेशा क्या होती है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पे बेस्ड होती है. एक नॉर्थ पोल होगा तो दूसरा साउथ पोल होगा, और इन पेयर्स को अपन क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं, दैट पेयर्स आर कॉल्ड एज कपलेट. इट रिप्रेजेंट्स चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन. ठीक है, इसमें क्या है, दो अपोजिट ऑप्शंस में से एक चॉइस लेना होता है. दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर. ठीक है, दो ऑप्शंस हैं, उसमें से एक को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, दूसरे को रिजेक्ट करते हैं. ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड एज लीड. हर एक जो स्टेटमेंट होती है की के अंदर में, उसको अपन क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एज लीड. दिस इज कैरिड आउट फॉर एन ऑर्गेनिज्म बाय डिटरमाइनिंग इट्स सिमिलैरिटीज विथ ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म जिनके बारे में हमको पता है उनके साथ हम लोग सिमिलैरिटीज को कंपेयर करते हैं. अगर सिमिलैरिटीज मिल गई तो उसको उस कैटेगरीज में रख देते हैं, अगर नहीं मिली तो उसको अलग कर देते हैं. ठीक है, तो एक नोन स्पीसीज के साथ कंपेयर करके सिमिलैरिटीज को मैच करते हैं, मैच हो गई तो ओके है, फिर उसको उस कैटेगरीज में रख देंगे, अगर नहीं मैच हुई तो फिर उसको दूसरे कैटेगरीज में के लिए ढूंढेंगे. सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज लाइक फैमिली जीनस एंड स्पीसीज. ठीक है, सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज रिक्वायर्ड है हर एक अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के लिए, जैसे स्पीसीज के लिए अलग, जीनस के लिए अलग, फैमिली के लिए अलग, ऑर्डर के लिए अलग, फाइलम के लिए अलग. ठीक है, यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म. जो टैक्सोनॉमिकल कीज है उसका रोल क्या है कि जो अननोन स्पीसीज है उनको आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करते हैं, टैक्सोनॉमिकल कीज. ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई टैक्सोनॉमिकल कीज के बारे में. अब हम लोग कुछ टैक्सोनॉमिकल कीज को देखेंगे.
सबसे पहला जो टेक्सोनॉमिकल कीज है वो क्या है, मोनोग्राफ। नाम से ही समझ रहे हैं, मोनोग्राफ, मोनो मीन्स वन। ओके, तो वो गिवन कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ कंप्लीट कंपाइलेशन ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन फैमिली जीनस एट अ गिवन टाइम। ठीक है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्टिव व्यू अगर हमको मिले किसी भी एक पर्टिकुलर फैमिली या जीनस के बारे में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोग्राफ बोलते हैं। मतलब एक ही किसी चीज के बारे में, एक ही पर्टिकुलर जीनस या फिर एक ही पर्टिकुलर फैमिली के बारे में अगर एक डिस्क्रिप्टिव व्यू मिले, एक पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिले, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मोनोग्राफ। फिर है मैनुअल्स। मैनुअल्स क्या होते हैं, कंटेन्स कंपाइल इन्फॉर्मेशन अबाउट एरिया कवर्ड, कीज एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली जीनस जेनरा एंड स्पीसीज। ठीक है, मैनुअल्स में क्या होता है, किसी एक एरिया के बारे में बताया जाता है कि इस एरिया में कितने सारे कौन कौन सी फैमिलीज है, कौन कौन सी जेनरा है, कौन कौन सी स्पीसीज है, और उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है मैनुअल्स में। फिर आता है पब्लिकेशंस। पब्लिकेशंस क्या होते हैं, पीरियोडिकल्स, जैसे कि एक पीरियड पे जैसे महीने में कुछ आते, कुछ हफ्ते में आते, तो पीरियोडिकल्स एंड डिक्शनरीज आर ब्रॉट आउट टू प्रोवाइड एन इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू एडिशन एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो नया स्पीसीज एड ऑन हुआ है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कहां से कौन करता है, पब्लिकेशंस करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से फ्लोरा है। व्हाट डू मीन बाय फ्लोरा, कंटेन्स एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्लांट इन अ गिवन एरिया। ठीक है, फ्लोरा क्या बताता है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितने सारे प्लांट्स हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्टिव व्यू देता है फ्लोरा हमको। तो अगर मान लो कि किसी भी पर्टिकुलर सिटी के फ्लोरा के बारे प्लांट्स के बारे में जानना होगा, तो वहां की जो है फ्लोरा की लिस्ट अगर हम लोग निकाल लेंगे तो वहां पे जो भी प्लांट्स पाए जाते हैं वो हमको पता चल जाएंगे। ठीक है, प्रोवाइड इंडेक्स ऑफ अ प्लांट इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक जैसे सूरत है, मुंबई है, तो उसके बारे में अगर हमको प्लांट के बारे में पता करना है तो वहां की फ्लोरा हम लोग निकाल लेंगे, तो फ्लोरा में हमको वहां के पूरे प्लांट्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। फिर कैटलॉग्स होता है। कैटलॉग्स क्या कंटेन करते हैं, कंटेन्स अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। कैटलॉग क्या होते हैं, अल्फाबेटिकल मैनर में जो भी स्पीसीज किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उनकी अरेंजमेंट को, उनकी अरेंजमेंट की जो बुक होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, कैटलॉग्स बोलते हैं। सो कैटलॉग्स में अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट होती है ऑर्गेनिज्म की, स्पीसीज की, और फ्लोरा में बस प्लांट का इन्फॉर्मेशन होता है किसी पर्टिकुलर एरिया की। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो टैक्सोनॉमिकल कीज के अंदर आएंगी। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग फर्दर आगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की वगैरह पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।